कैसे पे देखिए आप लोगों के लिए आज 29 सितंबर है और 29 सितंबर के हम आप लोग आपके लिए जो है करंट अफेयर लेकर के हाजिर हैं। आपको बता दें कि हम बहुत ही जल्द कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपका अगस्त और सितंबर दोनों मंथ का ही करंट अफेयर कवर होगा। इसके अलावा इसी के आपको नोट्स की एक PDF भी मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन दो आपका BPO के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा आपको जो है आने वाले और भी अपकमिंग एग्ज़ामों में अगस्त और सितंबर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वो आपको नोट्स एक बुक स्टॉल पे भी कई सारी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर आज का क्या है 29 सितंबर का। देखिए कुछ हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बता दें। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की डिप्टी गवर्नर M. Rajeshwar Rao जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं आपके, MD पात्रा, T. Ravishankar, स्वामीनाथन जानकी रमन और आपके M. Rajeshwar Rao, जिनका भी बढ़ाया गया। ये 3 जो आपके डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता लेकिन बढ़ा दिया गया। और देखिए कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया आपका, वर्ल्ड रेबीज डे, विश्व रेबीज दिवस था कल। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, लुईस पाश्चर की मृत्यु 18 सितंबर 1895 को हुई थी, इसीलिए उनकी पुण्यतिथि के रूप में वर्ल्ड रेबीज डे का मनाया जाता है। इन्होंने ही खोजा था इसको, ठीक है। तो इस वर्ष के जो रेबीज डे की थीम क्या थी, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थीम थी आपकी ऑल फॉर वन वन हेल्थ फॉर ऑल रखा गया था, ऑल फॉर वन वन हेल्थ फॉर ऑल। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला, वर्ष 2030 तक पूरे विश्व को रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य WHO के द्वारा निर्धारित भी किया गया है। कब तक के लिए रखा गया है, 2030 तक आपको पूरा वर्ल्ड जो है रेबीज मुक्त करना है। रेबीज देखिए एक वायरस होता है आपका, जो कि आपके सलाइवा होती है डॉग्स की, कैट की, उनमें पाया जाता है, इसलिए उनको एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगती है। इसके अलावा कई कई बार चूहों से भी आपके एक दो कुछ ऐसे पाए गए जिनसे रेबीज फैली है, ठीक है। WHO ने ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल के नाम से एक संस्था भी बनाया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट बनेगा कि भारत जो है, भारत में गोवा राज्य जो है रेबीज मुक्त, रेबीज फ्री स्टेट बन चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए। देखिए अगला क्या है, ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम आपका चलता है। ये देखिए 27 सितंबर को आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, उसी दिन ये मनाया जाता है, तो उसी दिन ये मनाया गया था। तो इसके उपलक्ष्य में भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री पर कौन है, किशन रेड्डी जी। अब आपके लिए कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर क्या है। पहला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति एशियाई खेल 2022 में 2022 यहाँ पे गलत है, ठीक है, 2023 है, टीम का हिस्सा थे, तो सरबजोत सिंह, ठीक है, शिवा नरवाल और आपके अर्जुन सिंह चीमा, ये थे आपके, ठीक है। 2022 की जगह 2023 करिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एशियाई खेल, ठीक है, एशियन गेम्स जो आपके हो रहे हैं, 2023 में रोशी बीना देवी ने महिलाओं की 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वह किस राज्य से हैं, पूर्वोत्तर राज्य से हैं। कहाँ से हैं, पूर्वोत्तर राज्य से, और पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, मणिपुर। मणिपुर आपका न्यूज़ में रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसने ट्रेवल फॉर लाइफ के वैश्विक लॉन्च का आयोजन किया है, पर्यटन मंत्रालय ने, अभी आपको बताया भी था। 4 सितंबर 2023 में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, शैलेश गुप्ता जी को चुना गया है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पेट के लिहाज से भी और अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गोकुल सुब्रमण्यम को। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है, ISC बैंगलोर।
आईएससी बैंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बैंगलोर में है। अगला, पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह के माध्यम से किया गया था। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? पॉइंट टू बी नोटेड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी? दाहोद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन रहा है, कहाँ पे? दाहोद में। अब आपके लिए कुछ और हम बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उनको देखते हैं। ये कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, उनको देखते हैं क्या है। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो किस देश में ये हुआ है? ये आपका इसराइल में, ठीक है, स्टेम सेल से बना है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन से नियुक्त किए गए हैं? गोपाल बागले। अगला, सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? इम्पोर्टेंट है, वियना। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ओपेक का मुख्यालय यहीं पे है। अगला, प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ऋतिक रोशन। ब्रांड एम्बेसडर ही पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम्स में। प्रमिला मल्लिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? ओडिशा, ठीक है। फसल अनुमान के लिए अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? वहीदा रहमान को। अब ये किस नंबर का है? ये 53rd नंबर का है। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले देखिए कहाँ स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले 1969 में ये आपका स्टार्ट हुआ था दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना, और इससे पहले 52वां 51वां किसको दिया गया? देखिए 51वां दिया गया था रजनीकांत जी को, साउथ सुपर स्टार, और 52वां आपका दिया गया था किसको? आशा पारेख को, अभिनेत्री जो है आशा पारेख। इम्पोर्टेंट है, अमिताभ बच्चन भी इसको पा चुके हैं, देखिए देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले वहीदा जी को जो है पद्मश्री 1972 में 2011 पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। हाँ देखिए 50वां 52वां आशा पारेख, याद कर लीजिएगा, पुराना ही पूछ लेते हैं। 51वां रजनीकांत, 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है, 1969 से हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका दिल्ली में, सॉरी मुंबई में। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। 27 सितंबर को आयोजित किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? यह आपका इंस्टीट्यूट है NICR। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? हमने आपको कल के करंट अफेयर्स में कवर भी करके बताया था, गूगल। कौन सी है? गूगल। अगला, 14th ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? दिल्ली में, ठीक है, नंबर एक। देखिए 14वां संस्करण है, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ बिल्डिंग द फ्यूचर। अब देखते हैं आपके लिए हैं क्या द हिंदू के कुछ मेन एडिटोरियल खबरें, आइए देखते हैं क्या है। देखिए एडिटोरियल से पहले आपको बता दें, भगवद गीता से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, PCS अभी मेंस जो परीक्षा हो रही है, तो ये दिया है भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, कई सवाल इस तरीके से पूछे गए थे, ठीक है, आपको पता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक आया है, भारत उसमें 40वें स्थान पर बरकरार रहा है, तो आपको भी आसानी रहेगी, 2023 और 22 की रैंकिंग सेम है, 40 पे ही हम हैं। क्या है? जिनेवा स्थित कौन सी विश्व बौद्धिक संस्था संपदा संगठन ये आपकी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए कौन जारी करता है, ठीक है। 2015 में हम 81 पे थे और अब 40वें स्थान पे आ गए हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनेगा बिल्कुल। तो ये अगला देखते हैं, ये देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका इस तरीके से, ठीक है। अब आपके लिए एक जो कल दुखद खबर निकल करके आई थी, क्या थी? देखिए आपके मन कोम्बू सांब संबा सिवन स्वामीनाथन, इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को, कल इनकी डेथ हुई है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक थे, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के थे ये।
1966 में उन्होंने उच्च उत्पादन गेहूं प्रजाति का विकास किया। इनको अवार्ड कौन कौन मिले हुए हैं, पद्म श्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, तीनों इनको पुरस्कार मिले हुए थे। हो सकता है इनको भारत रत्न भी दे दिया जाए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला हुआ था वर्ल्ड लेवल पे। अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड साइंस अवार्ड इनको मिला हुआ था। वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी इनको मिला हुआ था, ठीक है। 1991 में इनको टाइलर पुरस्कार भी मिला था। यूनेस्को गांधी का स्वर्ण पदक भी इसको इनको दिया गया था, ठीक है। इन्होंने देखिए रजत क्रांति, ये कई सारे उसमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चलिए देखते हैं इनके बारे में और क्या है न्यूज़पेपर में। ये देखिए अलविदा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हर एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। तो बर्थ डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा सकती है, दोनों चीज़ें आप इनको याद रखिएगा। 7 अगस्त 1925, ठीक है। अब उनकी कृषि उन्होंने क्या क्या दिया, देखिए उन्होंने जो है धान की अधिक उपज करने वाली किस्मों को विकसित किया था, जिसकी बदौलत आज भी पंजाब हरियाणा यूपी के किसानों को काफ़ी मदद मिलती है। गेहूं का इन्होंने अकाल के दौरान 1960 के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और अन्य लोगों के साथ मिलकर के गेहूं की उच्च पैदावार वाली HYV के बीज इन्होंने विकसित किए थे, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति ये थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनेगा। पद्मश्री मिला है, रेमन मैग्सेसे भी 1971 में मिला है, पद्म भूषण मिला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन मिला है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इनको मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। 1989 में इनको पद्म विभूषण मिला था। तो सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। राज्यसभा के सदस्य भी रहे 2007 से लेकर 2013 तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके द हिंदू के करंट अफेयर। देखिए द हिंदू एडिटोरियल में सबसे पहले इसी चीज़ को कवर किया गया है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन डिपार्ट्स, भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक डिपार्ट्स अब नहीं रहे, ये एम एस स्वामीनाथन है आपके। फिंदल जो है उनका कल बताया जा रहा है, ठीक है, फ्राइडे को यानी आज किया जाएगा, ठीक है। रिकॉलिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द फूड सिक्योरिटी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे एमके स्टालिन रहेंगे, ठीक है। पुलिस ऑनर्स उन्हें दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने आपके जो है फूड सिक्योरिटी के हेड भी रहे थे, हेड उनको मान करके वे भारत का पूरा हरित क्रांति के जनक थे वो। आइए देखते हैं क्या है। मोकाम्बू, इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। मोकाम्बू संबा सिवन स्वामीनाथन पावली नोन एज एम एस स्वामीनाथन, द लीजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड की आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्रीज ग्रीन रेवोल्यूशन पास्ड अवे एट हिज रेजिडेंस इन चेन्नई ऑन थर्सडे फॉलोइंग एज रिलेटेड इशू ही वॉज 98। तो 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए सभी आप याद आपको हम बता चुके हैं अभी, हैं फिर से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। रेमन मैग्सेसे भी इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरी न्यूज़ का कौन सी कवर करी है, मॉब ट्राइज टू स्टॉप मणिपुर सीएम्स होम। देखिए भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है कहाँ पे, मणिपुर के जो सीएम है। प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है, 2 डेथें भी हो चुकी हैं स्टूडेंट की, उससे और ज़्यादा वहाँ पे स्थिति खराब हो गई है। वाई एक्सटेम्प्ट वैली एरिया फ्रॉम अफस्पा आस्क ट्राइब्स। ट्राइब्स ने देखिए यहाँ पे जो यहाँ की जनजातियाँ हैं वो ये कह रही हैं कि अफस्पा को आपने मणिपुर के कुछ वैलीज़ में क्यों इम्फाल के पास जो है वहाँ पे क्यों अफस्पा को ही वहाँ पे लगा दिया आपने, इंटरनेट बैन कर दिया, ठीक है, लेकिन आर्म फोर्स एक्ट वहाँ पे आपने क्यों लगा दिया है। द अपेक्स बॉडीज ऑफ कुकी जो जनजाति है वहाँ की, जूमी है, नागा है, ये जो टाइम से ये स्ट्रांगली इसका ऑब्जेक्ट कर रही हैं यानी अपोज कर रही हैं, मणिपुर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एक्सटेंडिंग द ऑपरेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स। अफस्पा जो वहाँ पे लगाया गया है 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी आक्रोश आ रहा है। अमोब ट्राइड टू स्टॉप द पर्सनल रेजिडेंस ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के आवास पे, किस लिए, 2 स्टूडेंट्स का जो वहाँ पे मर्डर हुआ है, मिसिंग थे वो जुलाई से, द फोटोज ऑफ देयर बॉडीज सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया पे अर्लियर वीक की, जो अभी जैसे वहाँ पर इंटरनेट ओपन किया गया वहाँ पे वो वायरल हुई। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड दैट द एडिशनल टीम्स ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स रैफ द सेंटर एंटी रोइड पुलिस वर डिप्लॉयड नियर द चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस, द क्राउड वॉज स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस एंड कुछ ही दूरी पर उसको रोक भी दिया गया एंड डिस्पर्स्ड विद द यूज ऑफ नॉन लीथल वेपन्स।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस टाइम आ रही है आपके लिए। मणिपुर, देखिए मणिपुर नॉर्थ ईस्ट जब से भी 2015-16 के बाद से नॉर्थ ईस्ट काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरनल डिस्टर्बेंस सिक्योरिटी का मैटर है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अफस्पा कहाँ लगा है पूछा जाएगा, कितने महीने के लिए लगा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो आपका द हिंदू का लेख है, बॉन्डिंग बियॉन्ड बाउंड्री। ये मेरे घर आके तो देखो, इन्वाइट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कास्ट एंड सेक्सुअलिटी टू ईच अदर होम्स टू ब्रिज कम्युनल डिवाइड बाई डिमोलाइजिंग स्टोटाइप। तो ये आपका जो है एक फैमिली ऑफ मुखर्जी, ये पूरा देखिए आपका जो है आदित्य मुखर्जी हैं, उनके घर पे पूरा ये रखा गया था गैदरिंग। और ये सभी धर्मों के को देखिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं उनके लिए यहाँ पे गैदरिंग करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। चलिए अगला देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है, अली फैजल आपकी जो डायरेक्टेड मूवी आ रही है उसको यहाँ पे बताया गया है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है, रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडिया किडनी ट्रांसप्लांट डिफिसिट। तो इंडिया ऑर्गन शॉर्टेज, भारत में देखिए अंगों के प्रत्यारोपण की वैसे भी शॉर्टेज चल रही है। व्हेन इट कम्स टू किडनीज इज एन अलार्मिंग, किडनी की बात तो बहुत ही यहाँ पे दिक्कत है भारत में। इन 2022 ओवर 2 लाख पेशेंट्स नीडेड ट्रांसप्लांट, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को भी यहाँ पे जरूरत पड़ी थी ट्रांसप्लांट की, बट केवल 7500 ही ट्रांसप्लांट हम कर पाए थे किडनीज का, ओनली जो आपके 3.4% है, ठीक है। ड्यू टू द प्रीवेलेंस ऑफ डायबिटीज़, एक तो डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा खतरा है लोगों में और डायबिटीज़ भी बढ़ रही है, मॉल न्यूट्रिशमेंट की कमी आ रही है, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन, इसकी वजह से देर इज़ अ हाई प्रीवेलेंस ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीजेस। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपकी हाइजीन की बहुत दिक्कत आ रही है, साफ सफाई की, जैसे जिसको भी किडनी का रोग है उसके लिए सबसे पहले तो वाटर का उसको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और हाइजीन जगह पे आपको वॉशरूम वगैरह भी यूज़ करना पड़ेगा। अफेक्टिंग अबाउट 17% ऑफ द पॉपुलेशन, CKD ऑफन लीड्स टू एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अ किडनी ट्रांसप्लांट इज़ ऑफन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द ESRD के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। Specifically, transplant is often better than the alternatives on the almost of the dimension that matter. Quality of life, patient's convenience, life expectancy as well as cost effectiveness. In contrast to India, the United States and other developed countries could carry about 20% transplant. देखिए जितने भी आपके developed nation है वहाँ पर 20% transplant हो जाता है, भारत में बहुत ही less माना जा रहा है, 3% कोई एक ऐसा परसेंटेज नहीं है जिससे हम लोगों को वहाँ पे बचा सके, तो कई सारी आपकी डेथ्स भी हो जा रही हैं। नोटेबली अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस गैप इज अकाउंट मोर स्ट्रेंथ रेगुलेशन इन इंडिया देन अ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का यहाँ पे अभाव है। दीज आर 4 मेन वेज, ये आपके 4 जो रास्ते हैं अ पेशेंट कैन ऑब्टेन अ किडनी। द फर्स्ट इज टू गेट अ किडनी फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन, सबसे पहले तो किसी बीमार व्यक्ति से किडनी की यहाँ पे बात की जा रही है। दिस इज कॉन्स्ट्रेंट ड्यू टू अ लैक ऑफ डोनेशंस, यहाँ पे डोनेशंस की भी कमी है, कई सारे लोग अपने अंगों का दान नहीं करते हैं। दिस इज कॉन्स्ट्रेंट ड्यू टू अ लैक ऑफ डोनेशंस, द पर्टिकुलर कंडीशंस रिक्वायर द नेचर ऑफ द डेथ, नेचर ऑफ डेथ क्या है वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू कलेक्ट एंड स्टोर किडनीज। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए जिससे हम किडनी को कलेक्ट कर सके और उसको स्टोर कर सके। द सेकेंड इज टू रिक्वेस्ट अ रिलेटिव और फ्रेंड टू डोनेट करने की बात सबसे करनी चाहिए। हाउएवर डोनर और रिसिपिएंट हैव टू कंपेटिबल इन टर्म्स ऑफ ब्लड टाइप एंड टिशू टाइप, सच रिलेटिव फ्रेंड डोनर्स आर ऑफन इन कॉम्पिटेबल, बात की जा रही है। तो ये पूरा एक लेख है जो आपकी साइंस एंड टेक पे है आधारित, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर लिखने को मिलेंगे, एक इम्पॉर्टेंट आपका फेस भी है करंट अफेयर्स को लेकर के, कभी आपसे पूछा जा सकता है कितने परसेंट हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। अ माइलस्टोन हिंदू रिमैरिज रिफॉर्म इन इंडिया, देखिए नियरली 56 ईयर्स, ठीक है, द इनेक्टमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एसोसिएशन रिफॉर्म आया था, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट आया था 1967 में। तो इसमें क्या था, तमिलनाडु नेवर थ्रू द हिज आपकी जो मैरिज थी
उस टाइम जो हिंदू एक्ट में चेंजेस करके लाए गए थे, मद्रास हाई कोर्ट ने 1953 में इसको देखा था, ठीक है। चिदम्बरम चित्तर वर्सेस देवरानी वैसे देवानी आची का जो एक्ट था, सच मैरिज टू बी नल एंड वॉइड सिंस दे डिड नॉट फॉलो द हिंदू मैरिज रिचुअल्स। तो वो हिंदू मैरिज जो भी वहाँ पे रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो नहीं करते थे। ऑफकोर्स द ग्राउंड ऑन विच रेजिस्टेंस टू इस एक्ट के इनके आने के बाद से 1953 के बाद से यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। आप देख सकते हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन बॉर्न वर नॉट लेजिटिमेट अंडर द लॉ, तो कई सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में चेंजेस किए गए थे। इंस्टीट द कोर्ट कॉन्स्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट फॉर द पिलगिट ऑफ यंग वोमेन इन सच अ इलीगल मैरिज विच इन द जुडिशरी व्यूज हैड, तो वहाँ पे इलीगल मैरिजर्स को करार दे दिया गया था जब जुडिशरी वहाँ पे हेड कर रही थी। अ बेसिस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वो मोमेंट, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट को भी यहाँ पे रखा गया है हिंदू मैरिज एसोसिएशन में, ठीक है। तो जो ये केस था उसने पूरा आपके 1953 1959 1957 1967 में जो लास्ट एक्ट आया था हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट इन 1967 विच इज लीगलाइज द, जिनका केस चल रहा था सोनिया मैराथाई का, उसको लीगलाइज कर दिया था। एंड राज थी सक्सेसफुली क्लेम द रिस्टिट्यूशन ऑफ हर कंजुगल राइट आफ्टर अ न्यू ट्रायल, तो न्यू ट्रायल के बाद उनको पूरा हक मिला था वहाँ पे। तो इस वजह से जो ये रिफॉर्म्स आए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, माइलस्टोन साबित हुआ है हिंदू मैरिजेस के लिए। बेसिकली साउथ की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। रसिया इज गिव इंडिया 2 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन, 2 मिलियन टन जो है रसिया भारत को अनाज देगा, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है। देखिए शुड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी रेगुलेटेड, देखिए चैट GPT और AI जब से आया हुआ है तब से रोज ये आपके मुद्दे में रहते हैं बेसिकली साइंस एंड टेक के लिए। स्मार्टफोन विद चैट GPT लोगो ये आपका बना है। देखिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़ लाइकली द प्रोवर्बियल जीनी आउट ऑफ द बॉटल्स इन लेस देन अ ईयर, एक साल से भी कम समय का हुआ है चैट बॉट्स लाइक चैट GPT बार्ड क्लाउड एंड PI हैव सोन वाट जन AI पावर्ड एप्लीकेशंस कैन डू, क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं। दीज टूल हैव आल्सो रिवील्ड देयर वल्नरेबिलिटीज विच हैज़ पब्लिश्ड पॉलिसी मेकर्स एंड साइंटिस्ट्स टू थिंक डिप्लाई अबाउट दीज न्यू सिस्टम, तो साइंटिस्टों को भी यहाँ पे वैज्ञानिकों को भी सोचना पड़ेगा यहाँ पे इन नए सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी वल्नरेबल भी हो सकते हैं। शुड जनरेटिव AI बी रेगुलेटेड, जो जनरेट किए जा रहे हैं क्या उनको रेगुलेट करना चाहिए, तो यहाँ पे आपके देखिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क ऑन विच जनरेटिव AI लेट्स एंड व्हाट एंड हु ओन्स कंटेंट, कौन इसके कंटेंट का मालिक होना चाहिए, ठीक है, ये बताई गई यहाँ पर। दिस इज एन इशू बीइंग डिस्कस्ड इन जुरिसडिक्शन में भी इस पे बात चल रही है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के USA वगैरह में आप देख सकते हैं कॉपीराइट ऑफिस है वहाँ पे भी आपको कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ से। बाई AI देयर AI tools today is outside copyright protection, वो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। There is some noise around the need for the copyright protection being given to the companies involved in generative AI, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बात वो कीजिए जो generative AI tools हैं applications हैं उनका, ठीक है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पे भी इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। How do you see the European Union's AI Act in the context what is happening in India and what is happening in the US and India, ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी इस चीज़ को यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, तो इससे रिश्ते पे भी फ़र्क पड़ सकता है, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, इंपॉर्टेंट लेख है, जरूर पढ़िएगा। चलिए अगला देखते हैं। इनसाइड डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज़, देखिए कुकीज़ आपने सुनी होगी कई बार, कुकीज है कैचे फाइल्स है आपने कई बार देखा होगा। आर द प्राइवेसी कंसर्न कैन इन एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ द कुकीज पोज अ रिस्क टू यूजर्स, क्या यहाँ पे प्राइवेसी आपकी निष्ठा का हनन है। विच प्राइवेसी रेगुलेशंस हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन हाउ दे आर यूज ऑन वेबसाइट, तो कैसे वो वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं ये भी एक यहाँ पे देखने का विषय है। हाउ डज इंडियाज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अफेक्ट द यूज़ ऑफ कुकीज़,
तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे अफेक्ट करता है कुकीज़ को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। व्हाट पोटेंशियल डाउनसाइड कैन दियर एक्सेसिव यूज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ से भी क्या होता है, तो आपको यहाँ पे पूरी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए डिजिटल वर्ल्ड कुकीज़ का जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, कोई भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, चाहे गेम्स खेल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, इन द डिजिटल रिलाम कुकीज़ हेल्प इन पर्सनलाइजेशन एंड यूज़र कन्वेंसियन दीज अनअज्यूमिंग बिट्स ऑफ कोड। देखिए उसमें कोडिंग्स होती हैं, स्टोर्ड होते हैं कुछ डिवाइसेस में डाटा, वेबसाइट्स होती हैं, प्ले करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ऑनलाइन एक्सपीरियंस में। तो कुकीज़ वर्क कैसे करती है आपको बताया गया, कुकीज़ एज द की टू सिक्योर करते हैं मेम्बरशिप ओनली द क्लब, जस्ट लाइक द क्लब बाउंसर रिजॉइंस रेगुलर पार्टनर्स पार्टूंस एंड ग्रांट्स देम सीमलेसली एक्सेस। कुकीज़ रिमेंबर अ पर्सनस लॉग इन इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। देखिए जब कभी भी आप कभी लॉग इन करते हैं फेसबुक से लेकर किसी भी वेबसाइट्स पे, तो कुकीज़ वहाँ पे वो जनरेट हो जाती है जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग पे पूरा वर्क करती है, और वो वहाँ पे आपके डाटा को एक्सेस कर देती है, एक्सेस आपको देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें व्हाट आर टाइप्स ऑफ द कुकीज़, तो कई सारे कुकीज़ के टाइप्स होते हैं वो आपको पता है, इसमें दिखाया जा रहा है इनका यूजेस क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में इनका पूरा यूजेस है, आप जान सकते हैं डिजिटल आईडी कार्ड है, फेसबुक है, इंस्टा है, जो कुछ भी आप अपना यूज़ कर रहे हैं, आपका पर्सनलाइजेशन जो डाटा है वो कुकीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं जब से आपका डाटा की प्राइवेसी का हनन हो रहा है, यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या है स्वामीनाथन जी के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल बताया गया है। हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आर डेवलपिंग हाई यील्डिंग बासमती वेराइटीज़, को इन्होंने ही डेवलप किया, तो जो आप बासमती चावल इस टाइम खा रहे हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ म्यूटेशन कराया था उन्होंने वेरियस क्रॉप्स का, कई सारी फसलों में उन्होंने म्यूटेशंस करा करके उनको चेंजेस किया था, हाई यील्ड क्वालिटी के बीजेस को इन्होंने किया था। फूड सिक्योरिटी एंड लॉन्चिंग प्रोग्राम सच एज लैब टू लैंड, जैसे इन्होंने बोला था लैब टू लैंड, ठीक है, तो सीधा ये इन्होंने ये कहा था कि प्रयोगशाला से सीधा ये ज़मीन में जाएंगे। तो इनकी डेथ हो गई है, इसको यहाँ पे देखिए पूरा बताया गया, मैं स्वामीनाथन को कई जगह श्रद्धांजलि भी दी गई है, ये आप उनकी पिक्स देख सकते हैं, इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के साथ भी रहे थे, ठीक है, सॉरी एनडी तिवारी जी यहाँ पे हैं, ये आपके उत्तराखंड और यूपी दोनों के सीएम भी रह चुके हैं। इनोवेटर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग साइंटिफिक टेम्पर लीडर्स पे रिस्ट्रीब्यूट्स, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बोला था, ठीक है, इस बात को बेसिकली अपना इनका यूट्यूब चैनल है उसको प्रमोशन के लिए भी उन्हें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे बताया था। कैन कॉन्ट थिंक ऑफ एनी इंडियन मोर डेकोरेटेड इंटरनेशनली एनराम, तो ये आपके एनराम जो डायरेक्टर हैं आपके ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मर एडिटर इन चीफ द हिंदू, इन्होंने स्वामीनाथन की डेथ के बाद इन्होंने बोला है। ठीक है, स्वामीनाथन जी क्या चाहते थे, वोमेन फार्मर्स टू बी बेनिफिटेड फॉर MSRF रिसर्च वर्क, तो इन्होंने अपना फाउंडेशन जो तारामाराई चेन्नई में बनाया था कि वोमेंस को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले, ये इनकी थिंकिंग थी। चलिए अब आते हैं आपके एशियन गेम्स जो चल रहे हैं वहाँ पे, देखिए क्या है, सरबजोत अर्जुन एनसीवा ट्रायो डिलीवर एनदर गोल्ड, तो ये गोल्ड मेडल मिला हुआ है आज आपके क्वेश्चन भी हमने बताए हैं, एशियन गेम से क्वेश्चन जरूर बनेंगे तो उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप ये ट्रायो आपका गोल्ड मेडल आपको जिता के लाया है 10 मीटर एयर पिस्टल में, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए भारतीय जो हॉकी टीम है, इंडिया सर्वाइव्स लेट स्केयर फ्रॉम जापान मीट्स पाकिस्तान नेक्स्ट, तो अगला मैच पाकिस्तान से होगा भारतीय हॉकी का। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आगे मेडल मिलना है हॉकी में या नहीं मिलना है वो डिसाइड होगा। चलिए आते हैं कुछ और न्यूज़ पे, देखिए ग्राउंड सर्वे में आपको तो बताएंगे ही, देखिए रवि अश्विन को इंक्लूड कर लिया गया है, रविचंद्रन अश्विन को आपके अच्छा पटेल की जगह। देखिए कल आपकी डेडलाइन थी, लास्ट डेडलाइन थी वर्ल्ड कप स्क्वाड में चेंजेस करने की, कोई इंजर्ड है या कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो अक्षर पटेल जैसा कि एक्सपेक्टेड था दो वनडे मैचों की, दो वनडे मैचों के लिए भी थे, तो अक्षर पटेल की जगह पर रिप्लेस करके रविचंद्रन अश्विन को लिया गया है, उनके जो है हेमस्ट्रिंग की दिक्कत हो गई थी अक्षर पटेल को, इससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने करीबन 6 साल बाद जो है 2017 के बाद भारतीय सरजमीन पे पहला विकेट पाया था अभी आपके पहले वनडे मैच में। ठीक है, तो ये आपका था, कई सारे और भी टीमों ने चेंजेस किए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रेविस हेड को अभी रखा हुआ है, साथ ही साथ एश्टन एगर की जगह पे मानस लाबुशेन है,
देखिए ईरानी कप स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, उसके बारे में आपको डिटेल दी गई है। अफगानिस्तान की टीम भारत आ चुकी है, ठीक है, तो कई सारे जो हैं आपकी चीज़ें वर्ल्ड कप। हाँ आपको ये भी बता दें कि आज से आज आपका जो है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। देखिए ऑफिशियली अभी आपके वार्म अप गेम्स हैं, वार्म अप गेम्स आपके हैं आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 29 तारीख से। और वैसे ऑफिशियली आपका कब से स्टार्ट होगा? 5 अक्टूबर। चलिए देखते हैं कौन सा ग्राउंड आज हमारे सर्वे में है। तो ये आपका ग्राउंड है इकाना स्टेडियम इन लखनऊ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इकाना स्टेडियम ऑफ लखनऊ, काफ़ी अच्छा पवेलियन बना हुआ है यहाँ पे है। देखिए द इकाना स्टेडियम इन लखनऊ हैज़ बीन एडेड टू द वेन्यू, 2023 के वर्ल्ड कप के लिए ऐड कर दिया गया है कानपुर। इस बार कई सारे जब से इकाना स्टेडियम लखनऊ बन गया से कानपुर से कई सारे आपके मैचेस वहाँ से छिन भी गए हैं। तो ये आपका देखिए 2017 में ये स्टार्ट हुआ था वेन्यू, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स की जब से टीम आ गई तब से यहाँ पे आईपीएल के मैचेस भी होते हैं, ठीक है। युद्धवीर सिंह जो है सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बिलीव्स होस्टिंग द वर्ल्ड कप मैचेस विल बूस्ट क्रिकेट रीजन, ठीक है, एंड एनकरेज द यंग टैलेंट को वो बढ़ावा देगा, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है? 50,000 कैपेसिटी है इस स्टेडियम के बैठने की। द जनरल स्टैंड से अगर बात की जाए तो वो 44,296 सीट्स हैं। वाइल द रेस्ट एलोकेट्स टू हॉस्पिटलिटीज एरियाज की अगर बात की जाए तो 2,716 सीट्स हैं रिजर्व जो रहती हैं, ठीक है। बॉक्सेस की अगर यहाँ पे बात की जाए आप देख सकते हैं, ये देखिए पवेलियन आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ की देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ की पिच स्लो रहती है, ठीक है, जैसे आपने चेन्नई की पिच देखी होगी तो वैसे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पिच स्लो रहती है। हालांकि पहले मैच में ऐसा नहीं था लेकिन उसके बाद से जब इसकी पिच को थोड़ा सा रीजनरेट किया गया तो वहाँ से इसमें काफ़ी स्लो यहाँ पे स्पिन को काफ़ी मदद मिलती है। अभी आपने इंग्लैंड के खिलाफ मैच देखा होगा, T20 मैच हुआ था शायद जनवरी में, तो यहाँ पे हाँ दिसंबर में मैच हुआ था तो उसमें आपका शायद 92 ही रन बना था इस पिच पे। हालांकि आपका जब मैच होता है यहाँ पे आईपीएल का तो थोड़े बहुत हाई स्कोर बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनते। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं तो देखते हैं क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का भी सोर्सेज यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, बैकअप के रूप में, ठीक है। दे आर नो स्टॉपेज इन प्ले ब्रॉडकास्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर फेलियर होती है तो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल्स वगैरह को यहाँ पे रखा गया है। देखिए इस स्टेडियम को बनवाया किसने था? मिस्टर अखिलेश यादव जो आपके फॉर्मर CM रह चुके हैं उन्होंने बनवाया था, लेकिन इसको रीनेम कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया आपके जो इस टाइम के करंटली CM है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैचेस कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं, 5 मैच ये होस्ट कर रहा है। पहला मैच 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, फिर 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। देखिए ऑस्ट्रेलिया को मैचेस ऐसे वेन्यूज पे मिले हैं जहाँ पे स्पिन पिचेस हैं ज़्यादातर, चेन्नई में भारत से उसका मैच होना है और 2 मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मिल गए हैं जो कि दोनों स्लो पिचेस पे होने हैं। फिर नीदरलैंड और श्रीलंका का मैच 21 अक्टूबर को है। भारत का पहल 1 मैच यहाँ पे आपका होगा इंडियन क्रिकेट टीम का, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 29 अक्टूबर, और 3 नवंबर को नीदरलैंड और अफगानिस्तान का यहाँ पे मैच है। तो ये सारे आपको मैचेस के वेन्यूज बता दिए हमने, चलिए आप टिकट अपनी बुक लीजिएगा। तो देखिए ये थे आज के आपके लिए कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, ठीक है, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन एक सबसे जो बड़ा आपका रहा जा रहा है, आज एक वीडियो आपको मिलेगा जो डिजीज एक्स पे भी है, उसको भी जरूर से जरूर देखिएगा। एटलीस्ट 100 मिलियन इन इंडिया नीड स्पेक्टेकल्स बट हैव नो एक्सेस, ठीक है। देखिए मायोफिया एक रोग होता है, ठीक है, अराउंड वर्ल्ड कंडीशन में काफ़ी चल रहा है वो इस टाइम। 100 मिलियन इंडियंस की नीड है स्पेक्टेकल्स, यानी आपके यहाँ पे बात की जा रही है मायोफिया जो रोग होता है उसके लिए, ठीक है, दृष्टि रोग जो होता है दूर दृष्टि रोग। अब देखते देखिए निपाह वायरस आउटब्रेक हो चुका है, व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देखिए इसकी एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए कई सारी कंट्रीज वहाँ पे काम चल रहा है, तो ये आपका आउटब्रेक हो चुका है। द लास्ट वीक इंडिया रीच्ड आउट टू ऑस्ट्रेलिया टू प्रोक्योर मोनोक्लोनल बॉडीज एंटीबॉडीज जस्ट टू कॉम्बैट द निपाह वायरस आउटब्रेक इन द केरला। देखिए केरला में ये फैल चुका है और अब धीरे धीरे ये आपके पूरे देश में पैर पसारने के इसके आसार भी लग रहे हैं, ठीक है। ये 2018 में आपका सबसे पहले कहाँ पे
केरला में ये चौथा आपको बार मिला है, कोझिकोड में 2018 से ये केरला में, ये कई दिनों 2018 में पहला ऐसा केस मिला था केरला में, और उसके बाद आपका कोविड वायरस एक्टिव हुआ था। तो व्हाट इज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, देखिए ये आपके लेबोरेटरी में प्रोटीन्स के माध्यम से एक मिमिक एंटीबॉडीज़ का बिहेवियर जो इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज से, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए ये बन पाता है कि नहीं। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है सबसे पहले डिस्कवर डेवलप की थी डॉक्टर क्रिस्टोफर बॉर्डर ने। ठीक है, यूनिफाइड सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर रेगुलेटरीज बॉडीज भी बनाई जा रही है, ISMR इसको ट्रीट भी कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अलर्ट रहिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो डिजीज एक्स पे हमारा होगा। डेली करंट अफेयर्स को आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, और कल या आपका 1 अक्टूबर से आपको ये वीडियो अर्ली मॉर्निंग मिला करेगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक।